तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है यही, आप देख रहे हैं टेक टुडे चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, उसके बाद जो एक घंटा भी बड़ा होगा उसे भी आपको प्रेस कर देना होगा गाइस। तो इससे क्या होगा कि हम जब भी अपने वीडियोस अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी वो वीडियो, और सबसे पहले आप हमारी वीडियो व्यू कर पाएंगे, और सबसे पहले कमेंट कर पाएंगे, और सबसे पहले लाइक भी कर पाएंगे गाइस इसीलिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए गाइस हम आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे हम अपने एक ऐप को जो हमारे सिस्टम में रनिंग करता है हम उसे APK में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं। मतलब आपका ऐप कोई डिलीट नहीं होगा, अगर आपका कोई गेम है स्वाडी को या मॉडर्न कम्बैट, आपका वो ऐप डिलीट नहीं होगा, सिर्फ वो APK में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा गाइस, बस इतना ही। तो चलिए तो दोस्तों हम आज की वीडियो शुरू कर ही लेते हैं। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, तो मैंने आपको बता दिया है पहले से ही, कोई बात नहीं। तो चलिए हम शुरू कर ही लेते हैं। तो पहले आपको APK एक्सट्रैक्टर नाम का एक ऐप को इंस्टॉल कर लेना होगा, वो ऐप प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, तो मैंने उसे इंस्टॉल कर रखा है, ऐप को भी इंस्टॉल कर लेना होगा। उसके बाद हमें इसे सिंपली ओपन कर लेना होगा। तो ये थोड़ी देर लोडिंग लेगा, तो हम इसे थोड़ी देर लोडिंग लेने देते हैं। तो गाइस जैसे कि इसका लोडिंग कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए मैं यहाँ पर अब कोई भी ऐप सेलेक्ट कर लेता हूँ, कौन सा वाला ले, हाँ काइन मास्टर ले लेता हूँ मैं ऐप। तो ये रहा गाइस काइन मास्टर मोड नाम का आपको ऐप दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इसे APK में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें इस पर सिंपली टैप कर देना होगा, उसके बाद यहाँ पर एक्सट्रैक्टिंग शुरू हो जाएगा। वीडियो प्रोसेस में थोड़ी बन रही है, तो ये होते समय आप बैक मत जाना और होम स्क्रीन पे मत जाना गाइस, थोड़ी रुकावटें आ सकती है, मतलब मेरा प्रॉब्लम आ सकते हैं कुछ आपके APK में, इसलिए। तो एक्सट्रैक्टिंग होने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ पर आ चुका था गाइस। तो चलिए हम जो डार्क चीवर में जाकर देख लेते हैं, मुझे पता है कि वहाँ क्या आया था। तो गाइस तो आपको यहाँ पर एक एक्सट्रैक्टेड APK नाम का दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं गाइस आप ये वाला एक्सट्रैक्टेड APK, तो ये वाला फोल्डर दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से ये ऑटोमेटिकली आपके एक फ़ोन में इंटरनल मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए हमें इस पर सिंपली ओपन कर लेना है। देखिए मैंने 3 फोल्डर्स को किए हुए हैं, देख सकते हैं आप काइन मास्टर, पिक्सल लैब, WR3D। तो देख सकते हैं आप काइन मास्टर एक APK में बदल चुका है गाइस, देख सकते हैं आप। तो गाइस आज के लिए बस इतना है, मैं आपसे बात करूंगा मेरे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। लेकिन मेरी एक और नई वीडियो आने वाली है जो मैं आपको नहीं बता सकता कि गाइस कोई बता सकता है कि गाइस जो वीडियो निकालने वाला है, इसलिए मेरी वीडियो जल्द से जल्द आपको आती रहेगी। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा, इससे आप मेरी वीडियो जल्दी से जल्दी देख सकते हैं, सबसे पहले व्यू कर सकते हैं, सबसे पहले कमेंट कर सकते हैं, सबसे पहले लाइक कर सकते हैं। इसलिए तो मैं चलता हूँ गाइस, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।